महाशिवरात्रि के अवसर पर महानगर मुरादाबाद में लाखों लोग हरिद्वार से गंगा जल लेकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बम बम और बम बोले के जयकारों के साथ अपने अपने गंतव्य को निकल पड़े। शास्त्रों में लिखा है कि महाशिवरात्रि के अवसर पर जो भक्त भगवान शिव को जलाभिषेक करता है, भगवान शिव उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। इसी कड़ी में मुरादाबाद से एक जत्था आदेश कश्यप के नेतृत्व में पहले हरिद्वार पहुंचा। वहां से पूजा अर्चना के बाद आदेश कश्यप के निर्देशन में उक्त जत्था नीलकंठ से जल लेकर हरिद्वार होते हुए मुरादाबाद के प्राचीन शिव मंदिर पहुंचा। उक्त जत्था सोमवार महाशिवरात्रि को भगवान शिव का जलाभिषेक करेगा। उक्त जत्थे के महंत आदेश कश्यप के अलावा सैकड़ों शिव भक्तों ने भगवान शिव पर जल अभिषेक कर धन लाभ कमाया। आज जो कार्यक्रम चल रहा है भंडारे का, किस सूत्र के सौजन्य से चल रहा? देखिए, 1 तारीख को शिवरात्रि है। हरिद्वार से काफी मात्रा में कांवर आती है, जल भर के आते हैं। यहाँ भोले की बरात है, यहाँ भोलों को जल पान की व्यवस्था कराई गई है, दूध की व्यवस्था है 3 दिन के लिए। ये 12वां भंडारा है हमारा, 12 साल से लगातार चल रहा है। अभी कोरोना बीच में हुआ था तो 2 साल जो है अब भंडारा हम लोग नहीं कर पाए थे, क्योंकि कांवर बंद थी उस समय। और यहाँ बहुत बहुत दूर से कांवरी आते हैं, इधर बरेली तक यहाँ से जो है कांवर हरिद्वार से आती है, तो वो भंडारी यहाँ जो है भोले आते हैं, रुकते हैं। कांवरियों का भंडारा है जी, कांवरियों का। कोई संदेश देना चाहेंगे इस पर? हाँ, देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि स्वच्छ भारत होना चाहिए और स्वच्छता का संदेश पूरे भारत में होना चाहिए कि अपने आसपास स्वच्छता रखें। दूसरी चीज़ ये है, सेवा भाव बहुत जरूरी है। अगर हम एक भंडारे के माध्यम से सेवा का प्रचार करते हैं कि सेवा भाव हर व्यक्ति में होना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और समाज में ऐसे कार्य हर व्यक्ति को करने चाहिए।